हाय फ्रेंड्स, मैं सपिंग कर आई हूँ एक नए वीडियो के साथ। और ये भी एक बाहर का पार्सल है, ये जाएगा, ये नॉर्वे जाएगा, ये नॉर्वे जाएगा। और ये पार्सल बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है, दिवाली से पहले से पेंडिंग है, क्योंकि मेरा क्लिपकार्ट का स्टॉक ऑन द वे था और उन्होंने बहुत लंबा वेट किया इसके लिए। आई थिंक 225 days समथिंग इन्होंने वेट किया है, क्योंकि मेरा स्टॉक ऑन द वे था। बहुत लंबे टाइम से मेरा स्टॉक एक्चुअली ना स्टॉक आउट था, वो बनने में इतना टाइम ले रहा था, बारिश आ गई, फिर त्यौहार आ गया, तो इसलिए। बट फाइनली मुझे रिसीव हो गया है कुछ। अभी भी इसमें ना कुछ शेप हैं जो नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो बनने पड़े हुए हैं, वो जब बन जाएंगे तब मैं वो भी शो करूँगी, ठीक है। अभी मेरा इसमें भरा पड़ा है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ये 2 kg का पार्सल है, ठीक है। तो मेरे पास जितने क्लिपकार्ट में शेप है ना, अभी मेरे और शेप बनने गए हैं, तो सोचिए इसमें भी और ऐड होने हैं। और तो इसमें है क्ले रोल जो कि 2 size में है, ठीक है, सब हाफ बेक्ड में है। बस ये वाला जो शेप है ना, ये स्मोकी में है मेरे पास, बाकी सारा हाफ बेक्ड में है, बट ये कच्चा नहीं है, ये अच्छा स्टॉक है। उसके बाद है किटकैट और 1 groups, फिर 2 type के मैंने ना चिप्स दिए हैं क्ले में, और ये है आई शेप, और ये मोस्टली थिन वाला है। देखिए ठीक से ना, थिन वाला स्टॉक ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, और पर्सनली मैं तो मेरे सारे स्टॉक की वैसे ही फ़ैन हूँ भाई। और ये है सॉसर, देखिए मिनी सॉसर है, और ये भी मिनी सॉसर है। बस मैंने 2 क्यों रखे हैं, इसलिए रखे हैं क्योंकि ये एक पतला है, एक मोटा है, और देखिए एक रेड टच में है और एक येलो टच में है, तो मैंने दोनों ही दिया। मेरे पास दोनों तरह का स्टॉक है, देखिए ये भी ना रेड में और ये येलो में, ठीक है। ये सिर्फ मिट्टी का अंतर नहीं है, सिर्फ रोस्ट के तरीके का अंतर है। मैं 2 जगह से स्टॉक लेती हूँ, मतलब जो भुनाई करते हैं, जो 2 तरह से रोस्ट करते हैं, वो 2 different person हैं, जहाँ मैं रोस्ट करवाती हूँ तो वहाँ फर्क आता है, बस इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है। और ये है हांडी, ये देख लीजिए, ये हांडी गगरी जो भी, ये एक शेप ये है, एक शेप ये है, फिर एक शेप ये है, ठीक है। उसके बाद है गुल्लक, फिर गुल्लक में भी इससे एक छोटा वाला है, फिर एक इस टाइप का है, फिर एक ये पॉट है, ये ग्लास है, ये डिफरेंट टाइप का घड़ा बना रहे थे हम, बट यही बन गया, जो भी बन गया यही है, बट इसको हम बोल सकते हैं भट्टी टाइप जो होता है, ठीक है। फिर ये है दही हंडी, बेस्ट स्टॉक जो मेरा स्टॉक आउट हो गया है। फिर ये है ग्लास, देखिए, और बहुत सारा ब्रोक हुआ है आते आते मेरा स्टॉक भाई। और ये है पेबल पॉट, बड़े मुँह का भी है मेरे पास, छोटे मुँह का भी है। उसके बाद गगरी, सॉरी मटकी या गगरी, जो भी आप बोलना चाहें। फिर ये एक इससे छोटे में है, फिर इससे छोटे में ये है, इस ये मुल्तानी है, मैंने इसमें 2 piece मुल्तानी के डाले हैं इनके लिए। फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, देखिए ये 1/2 inch वाला है मिनीएस्ट, फिर ये उससे बड़ा है, ये देख लीजिए, फिर ये उससे बड़ा है, ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे शेप है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक वाइन ग्लास है, एक गमला है, एक मिनी हांडी का शेप है, और ये है मेरा डिज़ाइनर दिया जो मैंने इस बार बनवाया है, और ये बिल्कुल लाइट वेट है और येलो बेग में है, बिल्कुल हाफ बेक्ड है, ऑसम स्टॉक है, ग्रीडी नहीं है, सॉफ्ट है, क्रंची है, नॉर्दी है, बहुत अच्छा स्टॉक है। तो ये 2 kg का पार्सल है, तो ऑर्डर करने के लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा, फॉरेन कंट्रीज़ के हों या इंडिया के हों, जो भी हों, तो आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। मैं प्राइवेट कोरियर करती हूँ फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, इंडिया पोस्ट में यूज़ नहीं करती। इंडिया पोस्ट के प्राइस जाने के लिए मेरे पास ना आए, और सिर्फ प्राइस जाने के लिए ना आए, अगर आप कन्फर्म हो लेने के लिए तो आएँ, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम होता है, आगे वाले को फोर्स करना पड़ता है, बार बार बताओ बताओ बताओ, इसलिए। सो डन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।